सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 8 जिसका नाम है मिलकर रहने में है साथ, यानी कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम अलग अलग कोई कार्य करेंगे तो हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर हम मिलकर रहेंगे, सहयोग से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे तो हमारा कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाएगा। तो इस पाठ में भी यही बताया गया है कि पेड़ों की जो जितने भी भाग होते हैं वो किस प्रकार एक दूसरे का काम करते हैं और वो मिलजुल कर रहते हैं। अगर उनको अलग कर दिया जाए तो उस पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसमें है एकांकी के पात्र, यानी कि इसमें ये एक नाटक के रूप में दिया गया है। इसमें पात्रों के नाम है, एक तो गुलाब का फूल, कांटा, पत्ती, डाली, तना और जड़। ये पेड़ के भाग होते हैं, है ना, एक पेड़ के ये सारे भाग होते हैं। तो ये क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से झूम रहा है। पास ही तितली उड़ रही है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये गुलाब का पौधा है जो कि पूरी तरह से खिल गया है, मुस्कुरा रहा है ना, खिला हुआ है तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। और हवा की जो झोंके हैं वो हवा से वो पौधा जो है झूम रहा है, उसके ऊपर एक तितली बैठी हुई है। अब गुलाब का फूल क्या कहता है, गुलाब का फूल, देखो देखो तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियाँ तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मन भावन है। अब ये गुलाब का फूल जो है वो तितली रानी से कह रहा है कि तितली रानी देखो मैं कितना सुंदर हूँ। वास्तव में हम देखते हैं तो गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर लगता है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो बहुत ही चिकनी होती है और कोमल होती है, और उसका जो गुलाबी रंग है वो बहुत ही मन को भाने वाला होता है। तो फिर तितली जवाब देती है, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तितली भी उस फूल को सुंदर कहती है। अब गुलाब का फूल जो है वो क्या करता है, इतराने लगता है ना, उसे अपने आप पर घमंड हो जाता है। तो वो कहता है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं मस्ती में झूमने लगता हूँ, लोग मुझे देखकर मेरी ओर बरबस खींचे चले आते हैं। अब गुलाब का फूल क्या कहता है, इतराते हुए घमंड करता हुआ कि जब भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो मैं क्या करता हूँ, मस्ती में झूमने लगता हूँ और लोग मुझे देखकर मैं इतना अच्छा लगता हूँ कि लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। तब कांटा होता है ना पेड़, उस फूल के पास में देखते हो आप लोग, तो कांटा लगा हुआ होता है, वो बोलता है अकड़कर, वो भी थोड़ा सा घमंड में आ जाता है। फिर वो बोलता है, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़कर ले जाता, तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। अब कांटा क्या कहता है कि तुम अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो कोई भी तुम्हें तोड़कर ले जाता, है ना। कांटा लगा हुआ होता है तो हम फूल को तोड़ नहीं पाते, लेकिन अगर कांटा नहीं होगा तो उस फूल को सब जन तोड़ तोड़ कर ले जाएंगे। तो कांटा कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी ना समझी पर हंसी आ रही है। तुम यह भूल रहे हो कि मैं तुमको खाना देती हूँ, यदि मैं भोजन बनकर तुम लोगों को न खिलाऊं तो तुम कैसे कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट बनोगे, है ना। फिर जो पत्ती होती है वो बोलती है कि तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी ना समझी पर बहुत ही हंसी आ रही है, तुम ये क्यों भूल गए हो कि मैं तुम्हें खाना देती हूँ, अगर मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को नहीं खिलाऊंगी तो तुम बड़े नहीं हो पाओगे, पुष्ट नहीं बनोगे। कांटा बोलता है, तुम क्यों इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो खुद ही किसी के सहारे जी
रही हो। तब कांटा फिर पत्ती से बोलता है कि तुम इतना क्यों इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो किसी के सहारे खड़ी हुई हो। तब आगे डाली बोलती है, हाँ हाँ किसी के सहारे, सच कहा, मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ, यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूँ तो जमीन पर धूल चाटेगी, सूख कर नष्ट हो जाएगी। कांटा और डाली पत्ती की हंसी उड़ाने लगे। तब डाली क्या कहती है कि हाँ कांटा तुम सही कह रहे हो, क्योंकि पत्ती को मैं ही साधे रखती हूँ, अगर मैं पत्ती को अपने से दूर कर दूँ तो वो जमीन पर गिर जाएगी, सूख कर नष्ट हो जाएगी। हम देखते हैं ना डाली पर ही पत्तियाँ लगी हुई होती है, अगर डाली पत्ती को डाली से अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार कांटा डाली सभी मिलकर पत्ती की हंसी उड़ाते हैं। अब तना, तना क्या कहता है, तनकर बोलता है, पत्ती डाली और फूल इतना इतराओ मत, अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूँ तो तुम कहाँ रहोगे, मैं तुम सबको पानी और भोजन नहीं पहुँचाऊँ तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। तब तना अकड़कर बोलता है कि पत्ती डाली और फूल तुम इतना क्यों इतरा रहे हो, अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं देऊँ तो तुम कहाँ रहोगे, मैं तुमको पानी और भोजन पहुँचाने का कार्य करता हूँ, अगर मैं तुम्हें पानी और भोजन नहीं पहुँचाऊँगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तभी जड़ बोलती है, रुको रुको तुम सब अपनी शेखी बगाड़ना तो बंद करो, मैं कब से सुन रही हूँ, क्यों सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हो, अरे मैं अगर मिट्टी में दबी रहकर तुम्हारे लिए जमीन में से पानी और भोजन सोख कर तने को नहीं दूँ तो तुम तक क्या पहुँचेगा, मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। तभी जड़ बोलती है कि तुम सब अपनी शेखी बगाड़ना, अपनी तारीफें करना बंद करो, क्योंकि तुम एक दूसरे को जो नीचा दिखा रहे हो उसे बंद करो, क्योंकि मैं मिट्टी में दबी रहती हूँ और तुम्हारे लिए जमीन में से पानी और भोजन सोख कर तने तक पहुँचाती हूँ, अगर मैं तुम्हें पानी सोख कर भोजन नहीं पहुँचाऊँगी तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। आप देख रहे हो इस चित्र में, ये जड़ जो जमीन के नीचे रहती है, तना जो जमीन के ऊपर है, ये पत्ती है और ये फूल है, तो सभी एक दूसरे को सहारा देने का काम करते हैं, अगर सभी एक दूसरे को सहारा नहीं देंगे तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब पत्ती कहती है, हमारे जीवन का आधार बनने से पहले यह तो जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी को बाहर न निकालूं तो तुम सड़ जाओगे जमीन में ही। अब पत्ती क्या कहती है जड़ से कि तुम हमारे जीवन का आधार हो, लेकिन मैं अगर तुम्हारे अंदर जमा पानी को बाहर नहीं निकालूंगी तो तुम अंदर ही सड़ जाओगे और जमीन में ही रह जाओगे, यानी कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब जड़ कहती है, ठीक है मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब जीकर दिखाना। तभी जड़ क्या कहती है, पेड़ से वो अलग हो जाती है और कहती है कि अब तुम जीकर दिखाओ। ऐसा कहकर जड़ उस पेड़ से अलग हो जाती है। तब तना बोलता है, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ। तना अलग होकर गिर जाता है, फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगते हैं, तितली से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। जब जड़ अलग हो जाती है तो तना भी उस पेड़ से अलग हो जाता है। अब फूल पत्ती डाली जिनको भोजन देने का कार्य जड़ और तना करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, तो वो भी तड़पने लग जाती है। अब इस प्रकार से तितली से उनकी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती है। तितली कहती है, जड़ बहन ऐसा मत करो, इस तरह तड़प तड़प कर तो तुम सब नष्ट हो जाओगे, तुम तो माँ के समान सबको पालती पोसती हो, तुम इनकी बात का बुरा मत मानो, ये तो ना समझे। अब तितली को बहुत ही दुख होता है इस प्रकार से, क्योंकि पेड़ का अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। तब वो कहती है जड़ से कि जड़ बहन तुम
ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये सब तड़प कर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम तो माँ के समान हो, इनका पालन पोषण करती हो, इनकी बात का बुरा मत मानो, ये तो ना समझे। जड़ कहती है सोचते हुए, सही कहती हो तितली रानी, मैं भी व्यर्थ ही क्रोध कर बैठी, मुझसे गलती हुई। तभी जड़ को एहसास होता है और वो तितली से कहती है कि तितली रानी, मैंने व्यर्थ में ही क्रोध किया, गुस्सा किया और मुझसे गलती हो गई। तभी तना बोलता है, मुझे माफ़ करना जड़ दीदी, मुझे पानी दो। तने को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी जड़ से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे पानी दे दो। फूल पत्ती और डाली भी कहते हैं, तने भैया हमें संभालो, हम मर रहे हैं। ये तीनों भी तने से अलग होकर जीवित नहीं रह सकते, तो ये भी इनसे तना से कहती है कि हमें संभालो नहीं तो हम मर जाएंगे। तितली कहती है, तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ, अब समझ में आ गया होगा कि सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, आपस में मिलकर रहने से ही सबका अस्तित्व है। तभी तितली रानी कहती है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त तो हो जाएगा, तुम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि तुम एक दूसरे की ज़रूरत हो, अगर आपस में मिलकर रहोगे तभी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। सब एक साथ मिलकर बोलते हैं, नहीं लड़ाई कभी करें हम, मिलकर रहने में है सार, समृद्धि का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। फिर वो सब मिलकर बोलते हैं कि अब हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि मिलकर रहने में ही सार है, अगर हम मिलकर रहेंगे तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा और समृद्धि का मूल, अगर हमें समृद्ध होना है तो हमें मिलकर रहना पड़ेगा और इसी से संसार जो क्या है वो सुंदर लगेगा। तो इस प्रकार हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, तभी हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे।